fire, make it burn them. हे गाइस, ये मैं हूँ और ये लेक्चर नंबर 4 है ऑर्नी केमिस्ट्री हेलोल्केन और हेलोरेन का। लेक्चर नंबर 4 आज हम करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कि नेचर कैसा होता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड का। इससे पहले जो है 3 लेक्चर जो है अपलोड हो चुके हैं चैनल के ऊपर, उनसे संबंधित आप जो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ये आपको जो मिल जाएंगे इसी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, इस वीडियो के प्लेलिस्ट में भी आपको जो मिल जाएगी लास्ट में जो आप देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। आइए देख लेते हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो हेलो एल्केन है हमारे पास वो होता है CH3X। ये क्या है, एक सबसे सिंपलेस्ट हेलो एल्केन है जिसे हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन, या फिर इसे अल्काइल हैलाइड भी जो बोला जाता है, अल्काइल हैलाइड। अब देख लेते हैं हैलोजन। सबसे पहले हैलोजन जो एलिमेंट होते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक बार जो देख लेते हैं। हैलोजन जो होते हैं हमारे पास फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है वो है 4.0, उसके बाद क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है 3.0 और ब्रोमीन की जो होती है वो शायद जो 2.8 के आसपास है, और आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 2.5 जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक स्केल है जो कि पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग जो बताया गया है। पोलिंग नाम भी एक साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने भी बताया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। ठीक है, 2.5 जो आर्बिट्री वैल्यू दे रहा है, किसी को ऐसा यूनिट होती है ये पता होगा आपको भी। ठीक है, चैप्टर 3 के अंदर जो हमने पढ़ा है क्लास 11th के अंदर जो, ठीक है, वहाँ पर देखा हुआ। तो इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस होने की वजह से अब यहाँ पर क्या है, इसमें हमने जो ये वाला कार्बन का बॉन्ड देखना है। ठीक है, ये वाला कार्बन का बॉन्ड रहेगा और क्या रहेगा, एक हैलोजन का जो बॉन्ड है। ठीक है, इस बॉन्ड को देखना है, इस बॉन्ड को हमें थोड़ा सा कैसा पोलर है क्या है ये हमें यहाँ पर देखना है। देखो हैलोजन एटम क्या है, वो थोड़ा सा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इनको क्या करेगा, थोड़ा सा जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा थोड़ा सा इधर की तरफ, ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा हैलोजन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मोर हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी ज़्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी तो इसके ऊपर जो चार्ज कैसा हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा हैलोजन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, मोर हो गई, और चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुके हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो चुकी है, यहाँ पर लेस हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या हो गई है, लेस हो गई, कंपेरेटिवली इसके तुलना में क्या हो गई, लेस हो गई है। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये फुल नेगेटिव या फिर फुल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव इसको जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पार्शियल पॉजिटिव इसको बोलेंगे, पार्शियल पॉजिटिव, और उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल नेगेटिव। तो इस प्रकार जो चार्ज की डेवलपमेंट यहाँ पर जो हो जाती है, तो हमारा जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है। कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड जो है वो कैसा हो गया, पोलर हो चुका है। हैलोजन के ऊपर जो चार्ज आ चुका है वो पार्शियल नेगेटिव आ चुका है, और कार्बन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब चूंकि यहाँ पर दो पोल डेवलप हो चुके हैं, तो ये इस वजह से कि आपका हैलोजन जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है वो कैसा हो चुका है, पोलर। दस वी कैन से, हम जो यहाँ पर कह सकते हैं कि वी कैन से दैट कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज स्लाइटली पोलर। वह कैसा होता है, इज स्लाइटली पोलर, कैसा होता है भाई, थोड़ा सा जो है पोलर हो जाएगा। अभी कैसा हो चुका है, स्लाइटली पोलर, ये पोलर हो चुका है। ये पोलर किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन एटम। कार्बन और हैलोजन के एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, इस वजह से हैलोजन एटम क्या कर रहा है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेड इलेक्ट्रॉन पेयर को, इधर की तरफ थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं हैलोजन की तरफ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर क्या चार्ज आ चुका है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और इसके ऊपर से कार्बन के ऊपर से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा बॉन्ड जो ज़्यादा पोलर रहेगा। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर देख लेते, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं भाई, आगे जो है देखेंगे इसका जो पोलर नेचर, कौन सा बॉन्ड जो ज़्यादा पोलर रहेगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर देखा है कि कार्बन CF जो बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस क्या है, ज़्यादा रहेगा तो ये ज़्यादा पोलर होगा, ये वाला बॉन्ड जो ज़्यादा पोलर होगा, कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड रहेगा ज़्यादा पोलर होने वाला है। ठीक है, और ये कम पोलर, ठीक है, इसकी तुलना में जो CCl बॉन्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस क्या होता है, कम होता है, तो ये क्या रहेगा, लेस पोलर रहेगा फ्लोरीन की तुलना में, और कार्बन क्लोरीन से लेस पोलर जो होगा वह कौन होगा,
सी ब्रोमीन, ठीक है। कार्बन ब्रोमीन वाला जो बॉन्ड रहेगा वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, थोड़ा लेस पोलर हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर जो टेट्रा वैलेंसी इसको दिखा रहे हैं, अब इसके बाद जो सबसे वीक जो पोलर रहेगा, जो बॉन्ड बनेगा, जो सबसे कम पोलर जो बनेगा वो रहेगा कार्बन आयोडीन का रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, पोलर नेचर है, पोलर ये जो है ऑर्डर ऑफ पोलर नेचर, ऑर्डर ऑफ पोलर नेचर इन कार्बन हैलोजन बॉन्ड, कार्बन हैलोजन बॉन्ड के अंदर जो ऑर्डर है, ठीक है, पोलर नेचर कौन ज़्यादा पोलर है, ठीक है, वो जो यहाँ पर आपको जो बताएगा, ठीक है, कि ये ऑर्डर रहेगा यहाँ पर किसी वजह से, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज द कार्बन हैलोजन बॉन्ड, सी एक्स बॉन्ड जो रहेगा, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज मोर पोलर, इज मोर पोलर, ये ज़्यादा पोलर होगा भाई, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है, ये वाला जो बॉन्ड रहेगा ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की लेस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो बॉन्ड होगा कार्बन आयोडीन बॉन्ड जो होगा इज लेस पोलर, वह क्या होगा, लेस पोलर होगा, बॉन्ड इज लेस पोलर, ये लेस पोलर होने वाला है, ठीक है। तो एक ऑर्डर भी जो हमें यहाँ पर पता चल चुका है, हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो हम देख लेते हैं यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ देख लेते हैं, ठीक है, बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर है, कार्बन हैलोजन की जो बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है, ये भी जो रिएक्टिविटी के लिए बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन फ्लोरिन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी या क्या होगी भी, ठीक है, यहाँ पर देखना, देखो कार्बन फ्लोरिन का एक एटम है, ऐसे ही क्या रहेगा, जैसे फिर ये रहेगा क्लोरीन है, कार्बन ब्रोमीन रहेगा, ये थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, बॉन्ड लेंथ जो इंक्रीज करेगी, बॉन्ड लेंथ क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि एटॉमिक साइज और इसका हैलोजन का बढ़ता जाता है। तो हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, यदि ये कार्बन का एटम है तो इसके साथ ये फ्लोरीन, ठीक है, ये फ्लोरीन कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, शेयर करके बॉन्ड बना रहे हैं, अब कार्बन यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, कार्बन क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ कहलाएगी ये वाली जो है, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ कहलाता है ये वाला, और ये कार्बन हो गया, अब हैलोजन क्या हो गया, ठीक है, क्लोरीन जो बढ़ चुका है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी भाई। अब ये जो बॉन्ड लेंथ क्या कर चुकी है, बढ़ चुकी है, ये बढ़ जाएगी बॉन्ड लेंथ जो है, ठीक है, बढ़ गई यहाँ पर, साइज़ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया बॉन्ड लेंथ का। अब जैसे जैसे एटम का एटमिक साइज़ जो बढ़ता जा रहा है, कार्बन का साइज़ वही रहेगा लेकिन ब्रोमीन का साइज़ क्या रहेगा, क्लोरीन की तुलना में जो बढ़ जाता है, तो यहाँ से लेकर के न्यूक्लियस से लेकर के इसके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस जो ये कहलाता है बॉन्ड लेंथ, क्या कहलाता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स इज कॉल्ड एज ए बॉन्ड लेंथ। तो ये बॉन्ड लेंथ क्या रही है, बढ़ रही है धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि एटमिक साइज बढ़ता है, कार्बन का साइज वही रहेगा, अब आयोडीन जो है और भी लार्जेस्ट एटम होता है, तो यहाँ से इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक का डिस्टेंस ये कहलाया क्या, बॉन्ड लेंथ, क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ। तो ये वाला जो डिस्टेंस है सारा का सारा ये क्या है, बॉन्ड लेंथ जो कहला रहा है भाई, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ हो गया, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ जो, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, कार्बन फ्लोरिन बॉन्ड है, इसके बाद जो बड़ा होता है कार्बन क्लोरिन, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड का जो ऑर्डर होगा क्या होगा, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, कार्बन फ्लोरिन की होगी, ठीक है, उल्टा बना दिया, ठीक है, सबसे छोटी होगी कार्बन फ्लोरिन की, क्योंकि एटमिक साइज का छोटा है, फिर उसके बाद जो होगा कार्बन क्लोरीन की होगी, उससे ज़्यादा बड़ी किसी होगी, कार्बन ब्रोमीन की रहेगी, उससे सबसे ज़्यादा बड़ी जो होगी किसी होगी, कार्बन आयोडीन की होगी, क्योंकि इसका एटमिक साइज जो बड़ा होता है, यहाँ पर क्या है, लार्ज एटमिक साइज होने की वजह से लार्ज बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है, फ्लोरिन का जो साइज़ है कैसा है, स्मॉल एटमिक साइज होने की वजह से कैसा साइज है, तो बॉन्ड लेंथ कैसी रहेगी, स्मॉल रहेगी, तो बॉन्ड लेंथ भी कैसी रहेगी, स्मॉल रहेगी, ठीक है, बॉन्ड लेंथ विल बी स्मॉल, ये स्मॉल हो गई यहाँ पर भी, ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है, चलते हैं आगे, थोड़ा आगे जगह बना लेते हैं। आगे नेक्स्ट देखने वाले हम जो है बॉन्ड डिसोजन एंथैल्पी, जिसे हम जो है बॉन्ड एंथैल्पी भी के नाम से भी जो पुकारते हैं भाई, देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये जो कहलाती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को जो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कैसे, BDEV लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको जो ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो बॉन्ड एंथैल्पी कई बुक में जो इसको जो बॉन्ड एंथैल्पी भी जो बोल दिया जाता है, दोनों सेम ही थिंग है भाई, ठीक है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, एक मोल जो बॉन्ड है, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहलाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो क्या है। देखो अब असल में है क्या, जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के इनवर्स रिलेशनशिप होती है भाई, ठीक है, दोनों में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ में और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में जो है, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पर रहता है। तो देख लेते हैं, जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ऑफ
कार्बन हेलोजन बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड वह इन्वर्सली होते हैं किसके, किसके इन्वर्सली होते हैं, बॉन्ड से एंथैल्पी बी डी ई ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, उल्टा रिलेशनशिप होता है भाई यहाँ पर जो है, ठीक है ना। हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड से एंथैल्पी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड से एंथैल्पी, बॉन्ड से एंथैल्पी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, रीजन के साथ एक्सप्लेन करेंगे क्यों ये जो है डाउन द ग्रुप जो डिक्रीज करते हैं, एटमिक साइज जब बढ़ता जाता है तो बड़ी बॉन्ड लेंथ को तोड़ना आसान होता है, कम एनर्जी की आवश्यकता रहेगी। तो क्या ऑर्डर रहेगा, सी आई जो बॉन्ड लेंथ है, सी आई जो बॉन्ड लेंथ है उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी क्या रहेगी, ये लो रहेगी भी, ठीक है, इसकी लो रहेगी। फिर उसके बाद जो है हाई किसकी होगी, इससे ज़्यादा होगी किसकी होगी, सी कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड की रहेगी, फिर उससे ज़्यादा किसी होगी कार्बन क्लोरीन की होगी, और सबसे ज़्यादा किसी होगी कार्बन फ्लोरीन की रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ होती है, स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ है, जितना बॉन्ड छोटा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ रहेगा। और यहाँ पर क्या है ये लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ है, लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ, हमारे पास एक ऑर्डर होता है, हमने अभी बताया ऊपर कि बॉन्ड लेंथ जो होती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यूनिवर्सल होती है किसके, बॉन्ड से एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो लार्जर द बॉन्ड ये कह सकते हैं, लार्जर द बॉन्ड जितना बड़ा बॉन्ड होगा, लार्जर द बॉन्ड स्मॉलर द बॉन्ड इज एंथैल्पी, स्मॉलर द बॉन्ड इज एंथैल्पी उतनी ही कम क्या होती है बॉन्ड इज एंथैल्पी होती है, ठीक है। ये उसी प्रकार है जैसे क्या है एक बड़ी लकड़ी को तोड़ना क्या आसान है, छोटी लकड़ी को तोड़ने का मुश्किल होता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट जो यहाँ पर जो है अप्लीकेबल होते हैं और कुछ नहीं है अभी, इनको जो आपने ठीक है देखना है रियल लाइफ से जो कंपेयर करना है, और बाकी जो केमिस्ट्री जो बहुत ही आसान होती है, ठीक है। तो बॉन्ड से एंथैल्पी होगा, इसके बाद जो चलते हैं, इसके बाद जो थोड़ी सी जगह से बना लेते हैं, ठीक है, कहाँ गया हमारा कर्सर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है कि किसी के अंदर है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट भी हम यहाँ पर देखेंगे, डाइपोल मोमेंट जो कैसा होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो है, अब पोलर है तो डाइपोल मोमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं, देखो भाई वैसे हम यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट जो है एल्केलाइन लेते हैं, कौन से, ठीक है, हेलो एल्केन, ठीक है, मिथेन वाले लेते हैं, तो कौन कौन है, जैसे हमारे पास क्या है CH3, ये रहेगा CH3, इसके साथ क्या है फ्लोरिन है, फिर उसके बाद कौन है भाई CH3Cl है, उसके बाद CH3Br, और उसके बाद कौन है CH3I। अब यहाँ पर हमने देखना है, देखो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डाइपोल मोमेंट को हम दर्शाते हैं किससे, म्यू से भी, ठीक है, म्यू से दर्शाते हैं, और ये किसके बराबर होता है चार्ज इनटू सेपरेशन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, क्यू इंटू टू ए, ठीक है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, साथ ही जो उन चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है, ठीक है, जो डिस्टेंस है सेपरेटिंग डिस्टेंस है उसके ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेपरेटिंग डिस्टेंस, यहाँ पर जो है क्या रहेगा, अब देखो सबसे ज़्यादा चार्ज हो, ठीक है, कहाँ पर आ रहा है, देखो सेपरेटिंग डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ये पिकोमीटर में होता है, बहुत ही छोटा स्मॉल साइज है, तो इसका इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है, ठीक है, ये इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होता है चार्ज, ठीक है, तो चार्ज के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा मोर द चार्ज मोर विल बी द डाइपोल मोमेंट, ठीक है, मोर द चार्ज जितना ज़्यादा चार्ज होगा मोर विल बी उतना ही ज़्यादा क्या होगा मोर विल बी डाइपोल मोमेंट, उतना ही ज़्यादा क्या होने वाला है डाइपोल मोमेंट होने वाला है भाई, ठीक है ना, तो डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं म्यू डायरेक्शन रहेगा इसके क्यू के भी, ठीक है, ये जो हम यहाँ पर जो पढ़ चुके हैं, ठीक है, अगर इसको जो है ये तो स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, इतना डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन और फ्लोरिन के बीच में फ्लोरिन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा पोलर बॉन्ड ये बनाता है, ठीक है, ज़्यादा पोलर बॉन्ड ये बनाएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, उस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हमने देखा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है ना, देखो यहाँ पर क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन फ्लोरीन, जिसकी वजह से क्या होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो क्या होगा मोर पोलरिटी विल बी डेवलप्ड हियर, ठीक है, ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा मोर पोलर बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, ये बनेगा भाई विल बी फॉर्म्ड, ये बनेगा। अब यहाँ पर क्या पोलरिटी जो क्या हो रही है कम होती जा रही है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रोनिटी कम होती जा रही है, इलेक्ट्रोनिटी कम हो गई तो पोलरिटी भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी रहेगा, ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रोनिटी जो आते हैं क्लोरीन से भी कम होते हैं, इसकी तो 2.3.0 तो इसकी 2.8 होती है, ठीक है, तो कम हो गई यहाँ पर जो है, ठीक है ना, अब इलेक्ट्रोनिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा पोलर नेचर भी कम होता जा रहा है, ठीक है, तो पोलर नेचर जो क्या होता जा रहा है घटता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पोलर नेचर ऑर्डर अगर ये मान लिया हम ऑर्डर, ठीक क्या है
ये ऑर्डर होता है फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन में, और ब्रोमीन में सबसे कम रहेगा क्योंकि आयोडीन में सबसे कम रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो है पार्शियल पॉजिटिव इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ये क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है हैलोजन के अंदर, तो लेस पोलर होगा, लेस पोलर होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या हुआ लेस पोलर हुआ, लेस पोलर बॉन्ड बनेगा, ठीक है, कम ही पोलर बॉन्ड बनेगा एंड ये क्या रहेगा लेस पोलर बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, यहाँ पर डाइपोलोमेंट जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए किसी केस में। तो डाइपोलोमेंट जो होता है देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहता है, ठीक है, ऐसे जो रहेगा यहाँ पर जाए, ठीक है, तो इसमें जो डाइपोलोमेंट जो ऑर्डर ऑफ डाइपोलोमेंट, तो चार्ज सबसे ज़्यादा यहाँ पर अभी, ठीक है, इसमें ऑर्डर ऑफ डाइपोलोमेंट शुड बी, जो डाइपोलोमेंट का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट शुड बी, क्या ऑर्डर होना चाहिए भाई, शुड बी जस्ट लाइक CH3F सबसे ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर जो है डाइपोलोमेंट इसका ज़्यादा ऑर्डर होगा, CH3Cl और फिर उसके बाद CH3Br, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है CH3I, ठीक है, ये ऑर्डर हमारा होना चाहिए, बट एक्चुअल में ठीक ऐसा नहीं होता, सबसे ज़्यादा एग्जाम में नेचर से आने वाला क्वेश्चन ही होता है भाई, ठीक है, डाइपोलोमेंट को जब पूछते हैं एग्जाम के अंदर जो भी, ठीक है, ये ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है थोड़ा सा लोचा है, ठीक है, यहाँ पर जाए, ठीक है, यहाँ पर जाए आपकी बात, ठीक है, यहाँ पर ये तो किस ऑर्डर में है, ठीक है, मतलब चार्ज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, बेस्ड ऑन चार्ज, ठीक है, बेस्ड ऑन चार्ज, चार्ज के ऊपर जो निर्भर कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक भाई, ठीक है, ये ऑर्डर रहेगा। लेकिन पहली बार जो यहाँ पर फर्क आया किसकी वजह से, जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें देखा गया, एक्सपेरिमेंट हमें पता चला, एक्चुअल डाटा जो हम लेते हैं एक्सपेरिमेंट वाले लेते हैं भाई, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला, बाय एक्सपेरिमेंट वी नो दैट, हमें पता चला कि जो डाइपोलोमेंट होता है वो क्लोरीन, ठीक है, क्लोरोमीथेन का ज़्यादा होता है, फ्लोरोमीथेन से भी, ठीक है, इसका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा CH3Cl का डाइपोलोमेंट ज़्यादा होगा और CH3F का क्या रहेगा कम रहेगा, किसकी वजह से, ये डिस्टेंस वाला फैक्टर आता है यहाँ पर, डिस्टेंस वाला फैक्टर क्या रहेगा ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, ठीक है, तो ये वाला जो रहेगा, बाकी में तो चार्ज वाला इफेक्ट रहेगा, ठीक है, इसकी वजह से रहेगा ये, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये डिस्टेंस, ठीक है, इसके केस में यहाँ पर क्या आ गया, ठीक है, डिस्टेंस फैक्टर यहाँ पर जो काम कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस फैक्टर जो है कैसा है, डिस्टेंस फैक्टर जो है चार्ज के जो डिस्टेंस फैक्टर है वो डोमिनेटिंग, डिस्टेंस फैक्टर इज डोमिनेटिंग, ठीक है, ये जो है यहाँ पर डोमिनेटिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो है क्या हो चुका है डाइपोलोमेंट भी जो हो चुका है। एक्चुअल ऑर्डर जो होता है ये होता है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, जो पूछा जाता है टेबल में भी जो दे रखा है डाइपोलोमेंट जो किसका ज़्यादा है, ठीक है, CH3Cl का, ठीक है, NCERT में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको जो है नेचर जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो समझ में आया होगा, ठीक है, तो इसके बाद जो हम, ठीक है, प्रिपरेशन करेंगे, नेचर जो हमारा हो चुका है, नेचर के बाद जो हम क्या करने वाले हैं जब प्रिपरेशन जो करेंगे भाई, ठीक है, तो देखते रहिए केमिस्ट्री पर कौन सा को नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आते हैं प्रिपरेशन में हम करेंगे जो सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे किसका, जो वहाँ पर आपको कुछ मेथड बताए जाएंगे, तीन जो मेथड है मेन, ठीक है, उनसे ही जो सारे के सारे जो क्या हेलोहैलोजन जो बनाए जाते हैं, देखने वाला हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, अल्कोहल से बनाएंगे, और फिर जो किसके साथ बनाएंगे जो है हेलोजन एक्सचेंज वाले बनाएंगे, जो कि इन मेथड से नहीं बनते तो उनको जो है हेलोजन एक्सचेंज से हम बना लेंगे, ठीक है, तो देखते रहिए केमिस्ट्री पेपर सुनेंगे, थैंक यू, कीप वॉचिंग।